नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, दुनिया को प्यार देने वाली मुंबई, दुनिया से प्यार करने वाली मुंबई, करोड़ों भारतीयों के सपनों की मुंबई, पता नहीं किस किस नाम से जानी जाती है ये मुंबई। लेकिन अब इसी मुंबई पर एक बहुत बड़ी आफत टूट कर गिरने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सपनों की नगरी मुंबई साल 2050 तक डूब जाएगी। अमेरिका की एक एजेंसी ने दावा किया है कि भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। यूएस की एजेंसी क्लाइमेट सेंट्रल की माने तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो भारत में 2050 तक कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई जैसे शहर समुद्र में समा जाएंगे। स्टडी के मुताबिक अकेले भारत में 50 लाख के बजाय 3 करोड़ 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे। नए अध्ययन की माने तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर से हमारी सोच से 3 गुना अधिक खतरे की आशंका है, और यही कारण है कि 2050 तक दुनिया भर के 30 करोड़ लोग ऐसी जगहों पर रह रहे होंगे जो सालाना बाढ़ से डूब जाएंगे। हाई टाइड की वजह से 15 करोड़ लोगों के घर पानी में बह जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अध्ययन पर आधारित एक खबर में कहा है कि मुंबई का ज्यादातर दक्षिणी हिस्सा 2050 तक साल में कम से कम एक बार प्रोजेक्टेड हाई टाइड लाइन से नीचे जा सकता है। प्रोजेक्टेड हाई टाइड लाइन तटीय भूमि पर वो निशान होता है जहां सबसे उच्च ज्वार साल में एक बार पहुंचता है। रिपोर्ट्स की माने तो क्लाइमेट चेंज की वजह से 20वीं शताब्दी में ही समुद्र का जल स्तर 11 से 16 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। यहां तक कि कार्बन उत्सर्जन में तत्काल कटौती नहीं की गई तो इस सदी के अंत तक जल स्तर 0.5 मीटर तक और बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अकेले भारत में ही 3 करोड़ 50 लाख लोगों पर ही खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही साथ चीन का कमर्शियल शहर शंघाई के भी पानी में डूबने का खतरा है। अनुमान है कि शंघाई और उसके आसपास बसे शहर समुद्र के बढ़ते जल स्तर को रोक नहीं पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 30 साल में क्या होने वाला है। अगर आप जिंदा रहे तो आपको सपनों का शहर मुंबई को डूबते हुए या खतरों से सामना करते देखना होगा। इसके साथ ही साथ इंसान अपनी पेशो आराम की वजह से कई और शहर समुद्र में समा जाएंगे। अब विश्व बिरादरी के नेताओं के साथ ही साथ भारत के बुद्धिजीवी और नेताओं और सरकार को सोचना है कि वो मुंबई को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि सोचते सोचते देर हो जाए।